आपको चैप्टर पढ़ाया था फ्रॉम द पाइड पाइपर ऑफ हैमलेट। आज उसकी एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द आईज ऑफ द पाइपर। जो पोइम थी उसमें जो आईज थी पाइड पाइपर की, उसको कैसे बताया गया है। द आईज ऑफ द पाइपर वर ग्रीन एंड ब्लू एंड लाइक ए कैंडल फ्लेम वेयर सॉल्ट इज स्प्रिंकल। पाइपर की आंखें कैसे बताई गई है, ग्रीन ब्लू, जो चमक रही थी ऐसे जैसे किसी मोमबत्ती की आग पे नमक डाल के उसको स्प्रिंकल जैसा हो रहा है, स्प्रिंकल जैसी उसकी डिस्क्रिप्शन बन रही है। तो सेकंड क्वेश्चन, हु कम्स आउट ऑफ द हाउसेस। घरों से बाहर कौन निकलता है जब पाइड पाइपर अपनी पाइप में ट्यून बजा म्यूजिक बजाता है, तो घरों से बाहर कौन निकलता है। आंसर आएगा, द रैट्स केम टम्बलिंग आउट ऑफ द हाउसेस। जो चूहे थे वो घरों से बाहर निकल जाते हैं फॉलोइंग द म्यूजिक ऑफ द पाइपर। क्वेश्चन नंबर 3, पिक आउट द एडजेक्टिव्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द रैट्स इन द पोएम। रैट्स को जैसे इस पोएम में डिस्क्राइब किया गया है उसमें जो एडजेक्टिव्स यूज किए गए हैं वो हमें लिखने हैं, क्या क्या कैसे उसको डिस्क्राइब किया था उसमें रैट्स को। ग्रेट रैट्स, कमा स्मॉल रैट्स, कमा लीन रैट्स, कमा ब्राउनी रैट्स, कमा ग्रे रैट्स आर सम ऑफ द एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब द रैट्स इन द पोएम। ये कुछ एडजेक्टिव्स थे, स्मॉल रैट, ब्लैक रैट, ग्रे रैट, ब्राउन रैट, तो इसमें ऐसे रैट्स को डिस्क्राइब किया गया। फिर है, व्हाट इफेक्ट डज द पाइपर्स म्यूजिक कॉज। जो पाइड पाइपर अपनी पाइप में जो म्यूजिक बजाता है उससे क्या होता है, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। ओल्ड प्लॉडर्स, यंग फ्रिस्कर्स, फैमिलीज बाय टेंस एंड डजन्स फॉलोड द पाइपर एंड ऑल्सो द रैट्स विच वर स्मॉल लीन ब्राउन फॉलोड द म्यूजिक ऑफ द पाइप। ये सारे जो हैं फैमिलीज, चूहे, जब पाइपर ने म्यूजिक बजाया तो ये सब उसको फॉलो करने लगे अपनी जान बचाने के लिए। वो तो म्यूजिक में इतना खो गए कि वो उसके पीछे पीछे चलते रहे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, हु प्लंजेस इनटू द रिवर वेसर। जो रिवर वेसर थी जहाँ तक वो पाइड पाइपर लेके गया था उसमें कौन डूब जाता है। ऑल द रैट्स वर प्लंज्ड इनटू द रिवर वेसर। जो रैट्स थे सारे, उनको तैरना नहीं आता तो वो जो है रिवर वेसर में सारे क्या डूब गए, मर गए। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज एज स्टाउट एज जूलियस सीजर। इस पोएम में जूलियस सीजर जैसा इंसान किसको बताया गया है। जूलियस सीजर एक राजा था, उसके जैसा इंसान किसे बताया गया है, पाइड पाइपर को। द पाइड पाइपर इन द पोएम इज डिस्क्राइब्ड एज स्टाउट एज जूलियस सीजर। पाइड पाइपर को उसके साथ कंपेयर किया, उसके जैसा बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, हु नरेट्स द कमेंट्री इन द रेटलैंड होम। तो ये इस पोएम में ये जो सब हो रहा है रेटलैंड होम में, तो ये सारा डिस्क्राइब कौन, कमेंट्री कौन कर रहा है इसकी, कौन नरेट कर रहा है, कौन बता रहा है। तो इस पोएम का जो पोइट है जिसने ये लिखी है, रॉबर्ट ब्राउनिंग, वो सब ये कमेंट्री जो है वो नरेट कर रहा है, वो बता रहा है कि कैसे क्या हुआ। रॉबर्ट ब्राउनिंग आंसर आएगा इसका, रॉबर्ट ब्राउनिंग नरेट्स द कमेंट्री इन द रेटलैंड होम। कमेंट्री को नरेट करता है रॉबर्ट ब्राउनिंग। इसका नाम आपको हमेशा याद रखना है, किसने पोइट लिखी है, किसने पोइम लिखी है, पोइम को पोइट कौन है, ऑथर कौन है किसी चैप्टर का, किसी स्टोरी का, तो ये सब हमेशा याद रहने चाहिए। इसके बारे में आपको क्वेश्चन आ सकता है, हु रोट, जैसे आपने पिछली पोइम पढ़ी यू आर ओल्ड फादर विलियम, हु रोट द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन, किसने लिखी है, पॉइंट का नाम बताओ। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस इस टॉपिक के। नेक्स्ट मैं आपको इसके ग्रामर, लैंग्वेज वर्क जो भी होगा वो कराऊंगा। थैंक यू।